जय हिंद प्यारे दोस्तों। दिल्ली वालों के लिए दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी आउट हो गया। दिल्ली के सचिवालय में वैकेंसी निकले दोस्तों, यानी कि जो आपकी पोस्टिंग होगी दिल्ली सचिवालय प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत होगी दोस्तों। वैकेंसी निकले काफी टाइप की, जैसे कि मैं आपको बता दूं, डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की, यंग प्रोफेशनल की और इंटर्न्स की। दोस्तों आज की वीडियो में हम उस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो को पूरा जरूर देखना, इसमें दोस्तों कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। और इंटरव्यू में कैसे होगा, क्या पूरा प्रोसेस, सारी बातें इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों दिल्ली सचिवालय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपकी पोस्टिंग होगी। पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, इंटर्न की पोस्ट की बात करेंगे आज की वीडियो में, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी 25,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। एज की बात करते हैं दोस्तों, ज्यादा आपकी जो नहीं 30 साल, यानी कि आपकी जो एज है 30 साल के अंतर्गत है तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, अगर आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन की हुई है तो आप एलिजिबल रहेंगे दोस्तों। लेकिन इसमें मेंशन करा गया है कि प्रेफरेंस दी जाएगी प्रेफरेबली इन इको, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स और मैथ्स, अगर आपने इस फील्ड से ग्रेजुएशन की है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी दोस्तों। इसमें नीचे दिया गया है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मास्टर्स आपने की हुई होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में काफी बड़ा डिफरेंस रहता है, कैंडिडेट जो है वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए कंपलसरी होती है दोस्तों, लेकिन जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती है वो कंपलसरी नहीं होती है, वो प्रेफरेबली होती है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप इंटर्न को छोड़ के कोई भी पोस्ट अप्लाई करते हैं तो आपका जो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड रहेगा ड्यूटी का, वो रहेगा दोस्तों 1 साल से 3 साल तक एक्सटेंडेबल रहेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप इंटर्न के लिए अप्लाई करते हैं तो ये रहेगा दोस्तों 6 महीने से 3 साल तक के लिए अप्लाई हो सकता है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास नीड होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होने चाहिए, सारे जो भी आपने क्वालिफिकेशन हासिल कर रखी है सबके सर्टिफिकेट भी होने चाहिए और सारे जो है मार्कशीट भी होनी चाहिए, उन पे आपको सेल्फ टेस्ट करने है दोस्तों। 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में दोस्तों, एक्सपीरियंस होने चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये भी सारे सेल्फ टेस्ट चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे दोस्तों, ये आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं। देखिए दोस्तों अप्लाई जैसे करना है आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप वहां जाके अप्लाई करना और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे अपलोड करने होंगे। एडवर्टाइजमेंट एक बार आप जरूर रीड आउट कर लेना फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए। लास्ट डेट की बात करें तो 20 जुलाई 2021 से पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है दोस्तों। बात करते हैं पक्की सरकारी नौकरी या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों इंटर्न की जो पोस्ट है उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो पीरियड रहेगा वो 6 महीने से और एक्सटेंडेबल हो सकता है, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो है परमानेंट पोस्ट नहीं है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।